नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूं उसका नाम है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। आज की वीडियो में मैं खाली आपको इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी और इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं इस टॉपिक को पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। ये जो टॉपिक है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, ये मैं दो वीडियोज में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो आज इसके फर्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको इसके बारे में बताऊंगी और इसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखें अच्छे से समझने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से कि आखिर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर होता क्या है। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सीक्वेंस एन कंसिडर करते हैं वेयर ए एन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन। तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से आएगी, माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर दो क्लस्टर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वन एंड माइनस वन, क्योंकि हम वन और माइनस वन के अराउंड, अगर हम वन के अराउंड भी कोई भी इंटरवल लेते हैं, कोई भी नेबरहुड वन का लेते हैं, तो उसमें वन तो आएगा ही, जो कि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो वन जो है इसका क्लस्टर पॉइंट हो गया है। इसी तरह से अगर हम माइनस वन के अराउंड कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उसके अंदर माइनस वन तो आएगा ही, जो कि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो माइनस वन इज ऑल्सो अ क्लस्टर पॉइंट। देयरफॉर यहां पर हमारे पास में दो दो क्लस्टर पॉइंट्स आ गए हैं, माइनस वन एंड वन। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर दो क्लस्टर पॉइंट्स आए हैं, तो एक तो छोटा है एक बड़ा है। बस यही कहानी है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की। छोटा वाला जो क्लस्टर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लिमिट सुपीरियर, सॉरी लिमिट इंफीरियर। इंफीरियर मतलब छोटा। लिमिट इंफीरियर इस सीक्वेंस ए एन का जो है वो है माइनस वन, और लिमिट सुपीरियर जो होता है वो होता है बड़ा वाला क्लस्टर पॉइंट, जो कि है वन। यहां पर दो क्लस्टर पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, माइनस वन एंड वन। जो छोटा वाला है उसको हम बोलेंगे लिमिट इंफीरियर, और जो बड़ा वाला है उसको हम बोलेंगे लिमिट सुपीरियर। और लिमिट इंफीरियर को जनरली डिनोट किया जाता है, इसके अलग अलग नोटेशंस होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स में बहुत सारी नोटेशंस यूज की जाती है। तो लिमिट इंफीरियर को हम लिमिट इन्फ भी लिखते हैं, या फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी इन्फ ए एन, या फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन लोअर बार, सॉरी लोअर बार जो है वो इस लिमिट के नीचे आएगा, लोअर बार। मैं एक बार वापस लिख देती हूं, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट नीचे बार लगाया एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन। और लिमिट सुपीरियर जो होता है उसको भी हम लिमिट सुप भी लिखते हैं, इसको हम लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ ए एन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर सुप्रीमम है यानी कि बार ऊपर लगाया जाता है ए एन। तो जनरली ये दो नोटेशंस यूज करी जाती है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी नीचे बार ए एन यानी कि लिमिट इंफीरियर, और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऊपर बार ए एन यानी कि लिमिट सुपीरियर। तो ये है हमारा टोटल कॉन्सेप्ट लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सेकेंड एग्जांपल,
Define a sequence A n by sequence A n को कुछ इस तरह से define किया गया है. A n is equal to one plus one by n if n is equal to 1, 4, 7 and so on. 2 plus 1 by n if n is equal to 2, 5, 8 and so on. 3 plus 1 by n if n is equal to 3, 6, 9 and so on. इस example को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं. 1 plus 1 by n for n is equal to 1. एक बार इसको भूल जाइए. 2 plus 1 by n for n is equal to 2. 3 plus 1 by n for n is equal to 3. वापस 4, 5, 6. वापस 7, 8, 9. नेक्स्ट हो जाएगा 10, 11, 12. इस तरह से हम ये एग्जांपल को याद रख सकते हैं. यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम 1 के अराउंड कोई भी इंटरवल लेंगे तो उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर हम क्लस्टर पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर एक हमें क्लस्टर पॉइंट 1 मिल रहा है. 2 के अराउंड हम कोई भी इंटरवल यानी कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उसमें सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन करेंगे तो 2 एक और क्लस्टर पॉइंट हो गया. इसी तरह से यहां पर 3 भी एक क्लस्टर पॉइंट होगा. तो यहां पर हमको 3 क्लस्टर पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो हमें यहां पर जो सबसे छोटा है यानी कि लिमिट इनफिमम जो मिल रहा है सबसे छोटा क्लस्टर पॉइंट वो है 1 और लिमिट सुपीरियर जो मिल रहा है यानी कि सबसे बड़ा क्लस्टर पॉइंट जो कि है हमारा 3. तो यहां पर लिमिट सुपीरियर जो है वो है 3 और लिमिट इनफीरियर जो है वो है 1. एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं. डिफाइन अ सीक्वेंस an by an is equal to 1 by 2n for all n. यहां पर हम देखेंगे ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगी 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 and so on, so on, so on, so on. तो सीक्वेंस में हमारे पास यहां पर सिर्फ एक क्लस्टर पॉइंट हमको मिल रहा है. क्लस्टर पॉइंट इज 0. हमको खाली एक क्लस्टर पॉइंट मिल रहा है जो कि 0 है. अब एक ही क्लस्टर पॉइंट है तो यहां पर हम इसका लिमिट इनफीरियर जो है वो भी 0 है और वो ही उसका लिमिट सुपीरियर है. जब एक ही क्लस्टर पॉइंट है तो वो ही बड़ा है और वो ही छोटा है तो इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर दोनों ही सेम है. इन एग्जांपल्स को यूज करते हुए हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं जिसको प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं है. रिजल्ट ये कहता है द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस पोजेसेस a limit superior and limit inferior. इस रिजल्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इसमें ये बताया गया है कि जो सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स होते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इनफीरियर दोनों होता है. हमने बोजेनो-वेस्टास थ्योरम में प्रूफ करा था कि बाउंडेड सीक्वेंस का क्लस्टर पॉइंट जरूर होता है. बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ क्लस्टर पॉइंट. हर एक बाउंडेड सीक्वेंस का क्लस्टर पॉइंट जरूर होता है. अब क्लस्टर पॉइंट अगर होगा कम से कम एक होगा या एक से ज्यादा होगा तो हम इजीली बता सकते हैं कि कोई उसमें से छोटा है कोई उसमें से बड़ा है. जो छोटा वाला है वो लिमिट इनफीरियर हो जाएगा और जो बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा. और अगर एक ही क्लस्टर पॉइंट है
तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये थे हमारा पूरा क्लस्टर पॉइंट की, सॉरी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर की पूरी डिटेलें। अब मैं आपको इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस बता देती हूं। फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लिमिट सुपीरियर की। लेट सीक्वेंस ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस ए एन जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसका क्लस्टर पॉइंट जरूर होगा। ये बाय बोजेनो-वेस्टर्स थ्योरम हम कह सकते हैं। द ग्रेटेस्ट मेंबर से यू ऑफ द सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एन इज कॉल्ड द लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस एन। लिमिट सुपीरियर को हम अपर लिमिट भी कहते हैं। लिमिट सुपीरियर इज ऑल्सो नोन एज अपर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन। इसको अपर लिमिट भी कहा जाता है सीक्वेंस ए एन की। And it is denoted by limit n tending to infinity supremum sup an or limit n tending to infinity upper bar an। तो ये थी हमारी limit superior की formal definition। अब हम लिखते हैं लिमिट इंफीरियर की फॉर्मल डेफिनेशन। लेट सीक्वेंस ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। द स्मॉलेस्ट मेंबर से एल ऑफ द सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एन इज कॉल्ड द लिमिट इंफीरियर ऑफ सीक्वेंस ए एन। जो लोएस्ट मेंबर होगा सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट्स में उसको हम कहेंगे लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोअर लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन एंड इट इज डिनोटेड बाय limit n tending to infinity inf an or limit n tending to infinity यहां पर lower bar a n। तो ये था हमारा complete detailing about limit superior and limit inferior of our sequence। मैं next video में इससे related, इस topic से related आपको कुछ theorems के proof करके बताऊंगी। आपको उस वीडियो को देखने के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर का पूरा अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
सब्सक्राइब जो बटन है वो आपके वीडियो के एकदम लास्ट में रेड कलर का एक बटन है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।